हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की, जिसने आज के दिन में अपने Q2 के नंबर्स पेश कर दिए हैं। कैसे कुछ नंबर्स हैं फटाफट से चेकआउट करेंगे और क्या शॉर्ट टर्म में रिकवरी बनेगी या फिर करेक्शन के चांसेस बनेंगे, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये आ चुके हैं पटेल इंजीनियरिंग से Q2 के नंबर्स। वैल्यू जो है वो सारी की सारी मिलियंस में दे रखी है। टोटल इनकम, फिर खर्चा और प्रॉफिट, तीनों चीज डिस्कस करेंगे और लास्ट में अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे। ये है आपका Q2 लास्ट ईयर, Q1 अब की बार का और Q2 अब की बार जो कंपनी ने पेश किया है। 8,590 मिलियन का जो है टोटल इनकम कंपनी का था लास्ट ईयर 2022 के अंदर Q2 के अंदर। Q1 2023 की बात करें तो 11,364 मिलियन और अब की बार हुआ है Q2 में 10,460 मिलियन। तो क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स डिक्लाइन हुए हैं, ईयरली बेसिस पे नंबर्स पॉजिटिव जो है पटेल इंजीनियरिंग ने पेश किए। खर्चे की बात कर लेते हैं हम। जहाँ ईयरली बेसिस पे आप लोगों को अच्छी खास इनकम में फर्क देखने को मिल रहा था, वहीं अगर आप देखें तो जहाँ इनकम कम की है क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखें इनकम कम की है, क्योंकि 11,364 और यहाँ 10,460, तो खर्चा भी कम ही किया है। 9,963 मिलियन का खर्चा जो कि Q1 के अंदर था 10,584 मिलियन और लास्ट ईयर था 8,358 मिलियन का। टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पे फॉर द पीरियड जो है उसकी अगर बात करें 380 ऑलमोस्ट जो है 380 मिलियन के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि Q1 के अंदर 540 मिलियन था और लास्ट ईयर था ऑलमोस्ट 99.91 मिलियन का। तो ईयरली बेसिस पे नंबर्स 100 मिलियन से बढ़कर 380 मिलियन, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे 540 मिलियन से घटकर 380 मिलियन। तो नंबर्स जो है क्वार्टरली बेसिस पे खराब हैं, ईयरली बेसिस पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। बात करें यहाँ पे अगर हम EPS की, क्योंकि यहाँ पे एनुअलाइज नहीं है, बेसिक एंड डायल्यूटेड जो था लास्ट ईयर था 0.41, Q1 के अंदर 0.66 और अब की बार है 0.46, तो वही है क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग के, जबकि ईयरली बेसिस पे नंबर्स काफी पॉजिटिव पटेल इंजीनियरिंग ने पेश कर दिए हैं।